हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माय मदर 866 के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। कवि किस प्रकार के दर्द पीड़ा का अनुभव करता है। इसका आंसर है द पोएट्स मदर इज सीटिंग बिसाइड हर। कवि की माँ उसके साइड वाले सीट में बैठी होती है एंड सी इज़ डजिंग और वह ऊँघ रही होती है। हर माउथ इज़ ओपन, उनकी मुंह खुली हुई होती है। हर फेस इज़ पेल लाइक अ डेड बॉडी और उनका चेहरा मृत शरीर के समान पीले पड़ गई होती है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। छोटे छोटे पौधों को तेजी से भाग रहे के रूप में क्यों वर्णन किया गया है। इसका आंसर है द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग बिकॉज दे सीम टू बी रनिंग व्हील ड्राइविंग द कार। छोटे छोटे पौधों को तेजी से भाग रहे के रूप में वर्णन किया गया है क्योंकि वे कार चलाते समय दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कवि ने अपने अपने घरों से बाहर की ओर भाग रहे छोटे छोटे प्रसन्नचित बच्चों के चित्र का वर्णन क्यों किया है। इसका आंसर है द पोएट हैज़ ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बिकॉज सी वॉन्ट्स टू शो द लाइवलीनेस एंड द एनर्जी ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। कवि ने अपने अपने घरों से बाहर की ओर दौड़ रहे प्रसन्नचित बच्चों का वर्णन इसलिए किया है क्योंकि वह बाहरी दुनिया के सजीवता और ऊर्जा को दिखाना चाहती है। अगला क्वेश्चन है व्हाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। माँ की तुलना शीत ऋतु की चांद से क्यों की गई है। इसका आंसर है द मदर हैज़ बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज द लेट विंटर्स मून इज़ काम, इट लॉसेस इट्स पावर एंड ब्राइटनेस। माँ की तुलना शीत ऋतु के चाँद से की गई है क्योंकि शीत ऋतु की चाँद शांत रहती है और अपनी शक्ति और चमक को खो देती है। अंतिम क्वेश्चन है व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। कवि के अंतिम शब्द और उनका मुस्कान क्या प्रदर्शित करता है। इसका आंसर है द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई सम सॉर्ट ऑफ होप दैट सी इज प्रोमिसिंग टू मीट हर मदर अगेन एंड सी माइट फाइंड हर अलाइव। कवि के अंतिम शब्द और उनका मुस्कान उम्मीद को प्रदर्शित करता है कि शायद ही वह उसे दोबारा जीवित मिलेगी और अपनी माँ से वह दोबारा मिलने की वादा कर रही होती है।